दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। हम शुरू करते हैं पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, इससे पहले आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। उसको बोलते हैं मॉनेटरी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली वो थ्योरी हमें बताती है कि जो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है वो मनी सप्लाई और मनी डिमांड की वजह से होता है। तो आप चाहें तो थ्योरी को देख लीजिएगा। ये जो थ्योरी है ये उसका एडवांस वर्जन है, यानी कि ये थ्योरी बताती है कि जब मनी सप्लाई चेंज होती है तो केवल प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होता बल्कि इंसान अपने पोर्टफोलियो में भी एडजस्टमेंट करता है। अब पोर्टफोलियो का क्या मतलब है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं आप बच्चों को समझाने के लिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में 100 रुपये हैं। अब मान लीजिए 100 रुपये को अगर मैं क्या रखता हूँ, कैश रखता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन कैश को कम कर देती है। अगर मान लीजिए मैं शेयर मार्केट लगा देता हूँ सारे के सारे पैसे, वो भी ठीक नहीं रहेगा। सारे के सारे पैसे बॉन्ड में लगा देता हूँ, वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप अपनी इनकम का 1% कैश रखते हो, 1% बॉन्ड में रखते हो, 1% स्टॉक मार्केट में रखते हो या शेयर मार्केट में रखते हो। तो इसको बोलते हैं बच्चों पोर्टफोलियो। यहां पर बेसिकली पोर्टफोलियो का मतलब ये बताया जा रहा है कि जो भी पैसा हम रखते हैं वो या तो हम विदेशी बॉन्ड में रखते हैं या घरेलू बॉन्ड में रखते हैं। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा, दो बातें हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम ये मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम आर बोल देते हैं और इसको हम आर स्टार बोल देते हैं। ठीक है, आर का मतलब है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट और आर स्टार का मतलब है फॉरेन इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए कि ये दोनों बराबर बराबर है, हम सिंपल मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट को हम ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, हम सिंपल मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर बराबर है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा पैसा मान लीजिए 100 रुपये में से आपने क्या किया, कैश रख लिया कुछ पैसा, कुछ पैसे का डोमेस्टिक बॉन्ड बाय कर लिए, और कुछ पैसे के फॉरेन बॉन्ड बाय कर लिए। ये आप समझिए, यानी कि आपने क्या किया, मान लीजिए 100 रुपये में से 20 रुपये का कैश रख लिया, 60 रुपये आपने क्या किया या 50 रुपये आपने क्या किया डोमेस्टिक बॉन्ड बाय कर लिए, 30 रुपये के फॉरेन बॉन्ड बाय कर लीजिए। पोर्टफोलियो तरीके बताती है कि अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हो जाए फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि अगर मान लीजिए डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाए और जो फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको क्या करना है, जो फॉरेन बॉन्ड से पैसा निकाल कर आप डोमेस्टिक बॉन्ड बाय कर लोगे। यानी कि अब आप क्या करोगे, पोर्टफोलियो जब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इस केस में आप क्या करोगे, 90 रुपये या आप कह सकते तरीके से 70 रुपये आपने डोमेस्टिक बॉन्ड में रख लिए और 10 रुपये फॉरेन बॉन्ड में रख लिए। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर लोगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है और ये ज़्यादा कम हो जाता है फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको समझना है, क्योंकि विदेशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है इसलिए आप डोमेस्टिक बॉन्ड बाय नहीं करोगे या कम बाय करोगे और विदेशी बॉन्ड ज़्यादा बाय करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, पैसे को आप केवल 30 रुपये यहाँ लगाओगे और 50 रुपये आपने यहाँ लगा दिए। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो जो है वो चेंज होता है। देखिए, थ्योरी यही आपको समझाने की कोशिश कर रही है। बेसिकली ये थ्योरी बताती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी वेल्थ को 3 हिस्सों में रखता है। नंबर 1 मनी, जैसा कि हमने आपको बताया, डी का मतलब डोमेस्टिक बॉन्ड से है, RF का मतलब फॉरेन बॉन्ड से है, यानी कि फॉरेन बॉन्ड आप रख रहे हो अपने पास में, ये इसको हम RF बोल दिया है, D का मतलब डोमेस्टिक बॉन्ड बोल दिया गया और M का मतलब मनी बोल दिया गया है, इन तीनों को मिलाकर वेल्थ बोला गया है। अब देखिए, यहां पर एक और चीज आपको बताई गई है, यहां पे हमने समझाया हुआ है, यहां पे देखिए, इसका मतलब आप जरूर समझिएगा, ये कॉफिशियंट है, इसका मतलब ये हुआ 0.2W, यानी कि जो भी हमारी वेल्थ है उसका 20% हम मनी के रूप में रखते हैं,
ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसको 100 मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेल्थ को, तो जो मनी की जो हम कैश रखते हैं वो 20 हो गया। डी का मतलब डोमेस्टिक बॉन्ड, ये मान लीजिए इसका जो प्रपोर्शन है वो 0.5 है वेल्थ का, तो इसका मतलब हम जो डोमेस्टिक रखते हैं वो कितना रखते हैं 50 रखेंगे, और ये जो है कॉफिशेंट 0.3 है, टोटल मिलाकर एक ही आएगा तीनों का कॉफिशेंट, क्योंकि आपने संपत्ति को 100 मान लिया है, तो इसको हम बोलते हैं RF। तो आप यही मान के चलिएगा बच्चों, बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को कुछ हिस्सा डोमेस्टिक बॉन्ड में रखेगा, कुछ हिस्सा फॉरेन बॉन्ड में रखेगा। द कोफिशियंट ऑफ ABC आर ऑल आर फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये जो ABC है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस होता है, और किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है वो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे स्टेटमेंट दी हुई है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा है मनी सप्लाई और ये मनी डिमांड है। मान लीजिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, ये डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर जीरो बोल देते हैं इसको हम, ओके। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आर है वो बराबर है आर स्टार के, वहां पे आर वन भी आए, यहां पे हम आर स्टार बोल देते हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है और फॉरेन इंटरेस्ट रेट बराबर बराबर है। इस केस में जो हमारा डी है मान लीजिए वो 50 है, और जो RF है यानी कि जो फॉरेन बॉन्ड बाय किए, वो हमने 30 रुपए के फॉरेन बॉन्ड बाय किए हुए हैं। इस तरीके से हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, और जो कैश है वो हमने रखा हुआ है एक तरीके से 20 का, टोटल मिलाकर हमारी जो वेल्थ है वो 100 रुपए की वेल्थ है। अब मान लीजिए कि मनी की सप्लाई बढ़ती है, नंबर वन मनी की सप्लाई बढ़ती है, और जैसी मनी की सप्लाई बढ़ेगी आप देख पा रहे होंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिर गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने का क्या मतलब हुआ, अब आप जो है वो आर गिर गया, इसका मतलब अब आर जो है वो छोटा हो जाएगा आर स्टार से, ओके बच्चों, बात बिल्कुल सिंपल सी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप पोर्टफोलियो को रीअरेंज करोगे, और आपकी जो डिमांड है, डिमांड ऑफ फॉरेन बॉन्ड, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि विदेशों से जब आप बॉन्ड बाय करोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ओके बच्चों। तो विदेशों से जब आप ज्यादा बॉन्ड करोगे तो इसका मतलब है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइज हो जाएगी, यानी कि अगर हम इस तरीके से बात करें, मान लीजिए ये हमारी डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज, और ये सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज, ये मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है, सॉरी एक्सचेंज रेट है E0। तो अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा, E1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर $1 पहले 50 रुपए में था, तो अब $1 जो है वो 60 रुपए का हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। जब डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी होगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, और जो इंपोर्ट है वो घटेगा, और धीरे धीरे प्रक्रिया जो है वो वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगी एक समय के बाद, धीरे धीरे करके, और फिर से एक बार ये जो एक्सचेंज रेट है ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हमने समझाने की आप बच्चों को कोशिश की। एक बार आप यहां पे भी देख लीजिए कि आप प्रक्रिया किस तरीके से बताई हुई है कि एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी बाय द होम कंट्री कॉजेज अ इमीडिएट फॉल इन द डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि हमने आपको बताया, एज कंपेयर टू फॉरन इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपका जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो घटकर फॉरन एक्सचेंज रेट से कम हो जाएगा। इट लीड टू अ शिफ्ट इन द असेट्स पोर्टफोलियो फ्रॉम डोमेस्टिक बॉन्ड टू होम करेंसी एंड फॉरन बॉन्ड, यानी कि जो डोमेस्टिक करेंसी से आप क्या करोगे, फॉरन बॉन्ड बाय करोगे। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉरन बॉन्ड फॉर डोमेस्टिक बॉन्ड रिजल्ट एन इमीडिएट डेप्रिशिएशन ऑफ होम करेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया डेप्रिशिएशन ऑफ होम करेंसी आएगा। This depreciation over a time cause a expansion in export and reduction in import. It will lead to appreciation of trade surplus and consequent appreciation of home currency. This offset part of original depreciation. देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो सॉरी सबसे पहला केस वन, मनी की सप्लाई, मनी की डिमांड, नंबर वन।
ये भी मॉनिटरी अप्रोच है एक तरीके से, लेकिन एक्सप्लेन का तरीका अलग है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर जीरो। नंबर वन, अगर मान लीजिए मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, मनी की सप्लाई बढ़ने से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाएगा। यानी कि नंबर वन हम बोल सकते हैं कि जब आपकी मनी की सप्लाई बढ़ती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिर जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर चुका है फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसलिए अब आप क्या करोगे, पैसे को फॉरेन बॉन्ड की जो डिमांड है, फॉरेन बॉन्ड जो है उसकी डिमांड ज्यादा होगी। जब फॉरेन बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होगी तो जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज करेगा। देखिए कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि फॉरेन बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब ये हमारी मान लीजिए डिमांड है, ये सप्लाई है, ये एक्सचेंज रेट है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, इसको मैं डॉलर बोल देता हूं, और ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ है। अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि आप बॉन्ड खरीदोगे, विदेशी बॉन्ड आपको ज्यादा से ज्यादा खरीदने हैं, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड ऑफ डॉलर जो है वो बढ़ गई। इससे क्या हुआ, जो आपका एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। चलिए डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिशिएशन होगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा होगा। आप जानते हो क्योंकि अब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, क्योंकि पहले एक डॉलर अगर 50 रुपए का था तो अब एक डॉलर 60 रुपए का हो चुका है। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंपोर्ट जो है वो घटेगा। इससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड में सरप्लस आएगा, ट्रेड सरप्लस क्रिएट होगा। और ट्रेड सरप्लस की वजह से, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा सामान आप बेच रहे हो, कम सामान आप खरीद रहे हो, ट्रेड सरप्लस की वजह से आपकी करेंसी एप्रिशिएशन होगी, एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी होगी। और एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी तब तक जारी रहेगी जब तक कि पुनः दोबारा से एक्सचेंज रेट उसी पॉइंट पर नहीं आ जाती जिस रन पे पहले थी। इसका हम उल्टा भी ले सकते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए कि मनी की सप्लाई घट जाए, मान लीजिए मनी की सप्लाई घट जाए, ये मनी की डिमांड है, ये मनी की सप्लाई है, मनी की सप्लाई घट जाए, मान लीजिए ये आर जीरो है। अब मनी की सप्लाई घटने का क्या मतलब है, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी कि जो आर है वो बड़ा हो जाएगा आर स्टार से। इसका मतलब है कि जो डिमांड है, डिमांड ऑफ फॉरेन बॉन्ड वो फॉल करेगी, इसकी वजह से जो करेंसी है वो एप्रिशिएशन होगा, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखिए मैं करके दिखा देता हूं आपको किस तरीके से एप्रिशिएशन होगा, ठीक है बच्चों, मैं करके दिखा देता हूं। ये मान लीजिए हमारा है डिमांड है फॉरेन करेंसी की, ये सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, ये एक्सचेंज रेट है ई जीरो। क्योंकि डिमांड घट गई है इसलिए एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, यानी कि एप्रिशिएशन होगा एक तरीके से, यानी कि जो डॉलर पहले 50 रुपए में मिलता था वही चीज आपको 40 में मिलेगी। एप्रिशिएशन की वजह से आपका जो एक्सपोर्ट है धीरे धीरे क्या होगा, वो घटेगा, इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब एप्रिशिएशन होता है, एक डॉलर 50 की जगह एक डॉलर 40 का हो जाएगा, तो विदेशी हमसे कम खरीदेंगे, क्योंकि उनको जो पहले 50 रुपए की गुड्स मिलती थी भारत से वो 40 रुपए की मिलेगी, तो वो कम खरीदेंगे, हम ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि पहले जो हमें एक डॉलर की गुड्स खरीदने के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे अब हमें 40 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ट्रेड डेफिशिट होगा, ट्रेड डेफिशिट होगा। और ट्रेड डेफिशिट होने की वजह से एक बार फिर से बैलेंस इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि फिर से जो एक्सचेंज रेट है वो फिर से यहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन होती है, और जो भी एक्सचेंज रेट में चेंज आता है वो बेसिकली मनी सप्लाई के वजह से, जो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट होता है उसकी वजह से आता है। ये थ्योरी बच्चों आपको ये समझाने की कोशिश करती है, और ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे की हुई है, प्राइस गिरने का हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा,
बेसिकली सारी बातें वही हमने आपको बताई हैं जो हमने आपको यहाँ पे बताई हैं। इसकी कुछ आलोचनाएं भी है, कुछ शॉर्टकमिंग भी है, मैं आपको वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला, इट इग्नोर दी रियल इनकम एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि ये जो रियल इनकम है इसको इग्नोर कर देती है कि किस तरीके से रियल इनकम की वजह से भी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होता है जो कि मॉनिटरी अप्रोच करती है। इट अप्रोच डज नॉट डील विद ट्रेड फ्लो, ट्रेड का फ्लो यानी कि जब सामान खरीदते हैं जब सामान बेच, बेसिकली ये थ्योरी बताती है कि जो बैलेंस अप्रोच, जो पोर्टफोलियो में जो डिसबैलेंस हुआ है उसकी वजह से एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन ट्रेड का फ्लो का असर क्या पड़ेगा ये डिस्कस नहीं करती है। फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशन में है उसके बारे में भी कहीं पे भी कोई बात नहीं कही गई, यानी कि बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, वो भी कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया है। इसके अलावा इस तरीके की एम्पिरिकल स्टडी कोई भी प्रूव नहीं है जिसमें ये बात प्रूव होती हो कि ये जो थ्योरी है ये सही है, और अगर है भी तो बहुत कम है। इसके अलावा जो पांचवी इसकी आलोचना ये की जाती है कि ये थ्योरी कंप्लीट फ्रेमवर्क नहीं बताती है किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होता है। तो ये इस तरीके से बच्चों